नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। सोनाली फोगाट के सुधीर संगमा से पूछताछ के खुलासे में उसके पास थे लॉकर के पासवर्ड। अंडमान पोर्ट ब्लेयर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता नापी गई। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे 2 महीने बाद थाईलैंड से श्रीलंका वापस लौटे। बिहार के 3 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत, सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग हुए बेघर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7219 नए मामले। केंद्र सरकार नवजात की मृत्यु के बाद महिला कर्मचारियों को देगी 60 दिनों का विशेष अवकाश। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज, सीएम नीतीश कुमार बोले जो प्रदेश में देखा अब देश देखेगा। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और इस साल प्रतिबंधों से मुक्त होंगे गणेश उत्सव मनाने की तैयारी, गणेश मंडल से अब तक 1500 का हुआ टीकाकरण।